हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 का क्वेश्चन लेके आया। देखिए, इससे पहले हम 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक आपका क्वेश्चन डाल दिए थे। ये 2022 का है एग्ज़ाम, 2022 में एग्ज़ाम हुआ था आपका 21-23 सेशन का। और देखिए, जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इससे पिछले बार भी जुलाई में हुआ था 21-23 सेशन, तो 22-24 का भी जुलाई में हो सकता है, फॉर्म जल्दी ही फिलअप होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थोड़ा ऑथेंटिक होता है, उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 सेशन 21-23। पहला पेपर का नाम होता है चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग, जिसका पेपर कोड होता है C1। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, मैक्सिमम नंबर 80 नंबर का होता है, समझे। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि बालक के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के अध्ययन का महत्व की विवेचना कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या शैक्षिक महत्व है, वर्णन कीजिए। 14 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में शिक्षा दिए जाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि किशोरावस्था जीवन का अनोखा काल है, विवेचना कीजिए। और 6 क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए। 8 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में बालक के सामाजिक विकास और उससे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। 10 क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक नहीं माना जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। आइए हम लोग आते हैं यूनिट कोर्स 2, जो कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है। ये भी आपका 3 आवर का पेपर होता है और 80 नंबर का ए भी होता है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, औपचारिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, बालक के सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका। 4 क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लिखिए। आते हैं हम लोग यूनिट 3 में कि शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध का वर्णन करें। 6 क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों को लिखिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में श्री अरविंद के विचारों का उल्लेख कीजिए। अगला है कि पाठ्यक्रम पर प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचारों का वर्णन, आदर्शवादी पाठ्यक्रम पर क्या बोलते हैं उसको लिखना है, समझ गए। अगला है यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख लेने RTE। 10 क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शिक्षा में अव्ययन एवं अवरोधन, और सी है कि शिक्षा में जन संचार माध्यमों का महत्व। आइए अब कोर्स 3 में आते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग है कोर्स 3, पेपर 3 C3 है। ये भी 3 आवर का पेपर होता है और 80 नंबर का ये भी है। इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 का जवाब देना प्रत्येक यूनिट से एक एक। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली की व्याख्या कीजिए, एक अध्यापक के लिए यह किस प्रकार शिक्षण अधिगम में उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत की उनकी शैक्षिक नियंत्रण के साथ व्याख्या कीजिए, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का वर्णन करना है। अगला यूनिट 3 है कि अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें। चौथा क्वेश्चन है कि अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के बाधक तत्वों का, बाधक यानी प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में 5 गौण नियमों का उल्लेख करें। अगला है 6 के अधिगम की प्रकृति की को संक्षेप में बताइए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि शिक्षण में अधिगम सामग्री और उद्देश्यों को बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार या भेदों के संक्षेप में प्रकाश डालिए। अगला है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला है कि शिक्षण परिविधि से क्या तात्पर्य है, शिक्षण में इनके महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 10 क्वेश्चन है कि शिक्षण में प्रयोग और अभ्यास का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। आइए अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो कोर्स 4 है आपका। ये आपका 40 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा इसमें मिलता है।
यूनिट वन का क्वेश्चन है कि बालक में भाषा अधिगम विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि बालक के भाषा अधिगम विकास का उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें। यूनिट टू का क्वेश्चन है कि बालक के अधिगम में भाषा एवं विद्यालय विषय के योगदान का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि बालक के भाषा अधिगम विकास में परिवार की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के प्रावधानों का वर्णन करें। और छठा है कि भाषा के विकास में शिक्षा आयोग 1964-66 के सुझावों का उल्लेख कीजिए, यानी कोठारी कमीशन क्या क्या सुझाव दिए थे। अब आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो कोर्स 5 है आपका, ये 40 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा इसमें टाइम मिलता है, 3 क्वेश्चन लिखना रहता है 3 यूनिट में। पहला क्वेश्चन है कि अनुशासन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनीय ज्ञान की भूमिका की भी परिचर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में 21वीं सदी में भाषाओं और गणित की प्रकृति में आए विधिगत बदलावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। चौथा है कि सकारात्मकता के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है कि शैक्षिक अनुशासन की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। और छठा है कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब आते हैं कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, 3 घंटा इसमें मिलता है, 40 नंबर के भी पेपर, इसमें भी 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है कि सामाजिक समानता की अवधारणा पर टिप्पणी लिखे। दूसरा है शैक्षिक अध्ययन से आप लैंगिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई पर समाज में असमानता और प्रतिरोधों को स्पष्ट कीजिए। चौथा है बाधा डालने वाले लैंगिक भेदभाव की भूमिका की चर्चा कीजिए। यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार लैंगिक समानता को स्थान दिया जाता है। और छठा क्वेश्चन है लैंगिक समानता स्थापित करने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट आता है मेथड पेपर, सबका अलग अलग होगा, इसमें हम हिस्ट्री का अभी बताएंगे, उसके बाद आपको और सब्जेक्ट का बताएंगे, समझ गए। पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ हिस्ट्री समझे, ये भी आपका 40 नंबर का होता है, 3 घंटा इसमें भी टाइम मिलता है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के व्यवहारिक एवं अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण के लिए 3 विधियों के बारे में लिखिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि CBSE बोर्ड के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल पाठ्यक्रम में इतिहास शिक्षण का क्या स्थान है। और चौथा है कि पाठ्यक्रम का अर्थ और सिद्धांतों का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि इतिहास का अन्य सामाजिक विषयों से क्या संबंध है और इतिहास शिक्षण के महत्व की वर्णित कीजिए, समझे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग और भी मेथड का बता देंगे, समझे, केस भी कर देंगे। थैंक यू।